भगवान भाई मिलोग तो नहीं, तो इधर ढूंढे 1-1.5 घंटा ढूंढने में लग जाएगा इनको। एंजॉय करते हैं, देखते हैं नेपाल का कैसा क्या रहता है सीन। तो बाकी चीजें तो बेहतर लगी नेपाल में, और कुछ ज्यादा चेकिंग थी, पर चेकिंग तो हर बॉर्डर पे होती है, फिर भी बहुत कम चेकिंग थी और कोई भी दिक्कत नहीं हुई नेपाल अंदर एंट्री करने में, क्योंकि बहुत से लोग बोलते थे कार नहीं अंदर ले जा सकते हैं, कि बहुत सी दिक्कतें होती हैं, ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। पर रुकना काफी देर पड़ा, क्योंकि हम सुबह 6 बजे आ गए थे, तो अब करीब टाइम क्या हो रहा होगा, 9 बज रहा होगा, तो 2-3 घंटे हमको बस खाली कागज के लिए, वो काउंटर पे बैठे नहीं थे, इसलिए हमको थोड़ा सा टाइम लग गया, बाकी ज्यादा कोई टाइम नहीं लगने के लिए था। और गाय वगैरह यहाँ पर भी है, ये देखिए गाय यहाँ पर भी है, और हमारे सैमू भाई गाड़ी चलाते हुए ड्राइव कर रहा है, और हम बैठे हैं क्योंकि हमको वीडियो भी बनाना था, तो इसलिए हमने कहा ड्राइव हम नहीं करेंगे, सैमू भाई हमारे करेंगे, क्योंकि ये पुराने ड्राइवर हैं, क्योंकि बुड्ढे हो चुके हैं, तो काफी एक्सपीरियंस है इनको हर चीज का, हर चीज का। हाँ, सैमू हो बस तो बढ़िया से बढ़िया चीजें आप लोगों को और दिखाएंगे हम नेपाल की, तो बेहतर से बेहतर चीजें आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे, और नेपाल घूमते हैं, और कभी आप लोग भी आइएगा, सारी चीजें आप लोगों को पता है कैसे क्या हुई थी, और नहीं हुई तो पूछ सकते हैं आप लोग हम लोग से कमेंट में, जो भी आपको जानकारी चाहिए है, अगर नेपाल कभी आना हो तो सारी जानकारी आप लोगों को दे देंगे, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है आप लोगों को। अब हम आ चुके हैं, बताओ ने कितना चल रहा है नेपाल के पेट्रोल पंप पे, डीजल डला लिया हम लोग ने, और हमारे यहाँ डीजल है 89 रुपए में, और यहाँ पर पड़ा हमको 99 रुपए में, 99 रुपए में। हम लोग ने सोचा था कि सस्ता होगा, इंडियन रुपीज आप लोगों को बता रहे हैं, जो इंडिया का है 89 और नेपाल का जो है वो 99 रुपीज है, तो यहाँ पर महंगा पड़ा, तो पहले हम ये समझे कि यहाँ पर सस्ता होगा, तो अपने हमने कम तेल डलाया था, कि सोचा था नेपाल में टैंक फुल करा लेंगे, जब यहाँ का रेट सुना तो हैरत मान गए, तो इसलिए थोड़ा सा डला लिया हमने, 1000 रुपीज का अभी डला लिया, घर के इंडिया में डलाएंगे तेल देख के, क्योंकि जो होगा देखा जाएगा क्या कर सकते हैं, और बातें खत्म हो गई हैं। और बाकी आप लोगों को लोकेशन दिखाते हैं सारी चीजें नेपाल की, क्या क्या चीजें देखने को आप लोगों को मिलेंगी और हमको भी मिलेंगी, देखते हैं, अभी वीडियो यहाँ पे रोकते हैं कि अच्छी लोकेशन पे जाके आप लोगों को दिखाएंगे। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग, आ चुके हैं हम नेपाल के पहाड़ों पे, आपने नैनीताल के पहाड़ देखे होंगे और कश्मीर के पहाड़ देखे होंगे, आज हम आप लोगों को दिखाते हैं नेपाल के पहाड़ वो कितने ऊंचाई पे हैं, इधर देख सकते हैं आप ऊंचाई पे, और अभी हम किधर को हैं, नीचे को दिखाइए, ये देखिए, और आगे चल के आइए, अच्छा सा व्यू आपको जो लोगों को दिखाते हैं बेहतरीन, दौड़ के आई है आप लोगों को, अच्छी लोकेशन दिखाते हैं, मस्त जबरदस्त, क्योंकि वहां पर थोड़े से पेड़ हैं तो नीचे की लोकेशन नहीं सही दिख रही है, अब आप लोगों को यहां से दिखाते हैं पूरी लोकेशन कैसी क्या रहेगी, आइए कम ऑन हरिया, ये देखिए क्या आप, ये देखिए व्यू कितना खूबसूरत, नजारे आप लोग देख सकते हैं, और ये जो है नेपाल के नजारे हैं, आपने देखे होंगे नैनीताल के भी देखे होंगे और कश्मीर के भी देखे होंगे नजारे, पर नेपाल के बहुत कम नजारे देखे होंगे, तो अब आप लोग देख सकते हैं ये नेपाल के नजारे कितना खूबसूरत है, देखिए आप वहां तक देखिए नीचे तक कितना अंदर है, अगर हम कैंपिंग करने जाएंगे तो नीचे जाएंगे, देखते हैं कहाँ पे करना है, कोई अच्छी लोकेशन देख के कुछ खाने पीने का भी बनाएंगे, और अभी आप लोग एंजॉय करिए ये सारी लोकेशन देख के, आप सबको व्यू कर दिखाते हैं, और ये हमारे फुरकान भाई, ये देखो जब अब कूदेंगे रेडी हो रहा है, हाँ फुरकान भाई मिलोग तो नहीं, तो इधर ढूंढे 1-1.5 घंटा ढूंढने में लग जाएगा इनको, आसिम भाई ड्राइव करके लाए, ये मेरी मेहरबानी है, इधर टिक के खड़ा हो ना, ये
यहाँ तक पहाड़ पर लेके आए हैं, दिखा रहे हैं ये पहाड़। ये अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह जो चाहे वो। हाँ गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, जो आप लोग देख सकते हैं पीछे का व्यू। आइए हमारे राशिद भाई के साथ में चलते हैं पीछे और आप लोगों को एक दूसरी लोकेशन दिखाते हैं नेपाल की। हाँ, ये देखिए कितनी अच्छी बेहद खूबसूरत लोकेशन जो आप लोग को नेक्स्ट लोकेशन देखने को मिल रही है। ऐसी लोकेशन काफी अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी, बेहतरीन से बेहतरीन लोकेशन आप लोगों को दिखाएंगे। पर हमारे वीडियो को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बार बार वही चीज हम बोल रहे हैं पर लोकेशन चेंज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। और देखिए व्यू, अभी हम लोग वहां पर थे, जो आप लोगों को पहली लोकेशन दिखाई थी वो वहां पर की थी, अब जो दिखा रहे हैं उससे ऊपर चल चुके हैं, करीब 20 किलोमीटर 23 किलोमीटर ऊंचाई पे और आ गए हैं। अभी इसके बाद में करीब 20 से 25 किलोमीटर की और ऊंचाई बची है, अभी वो भी पार करना है। तो इधर का व्यू भी देख सकते हैं, इधर साइड का भी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, और इस साइड का पूरा व्यू देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है। आइए इधर चल के दिखाते हैं। ये देखिए आप लोग कितनी बेहतरीन लोकेशन है यहाँ पर, और सही बात है क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था, तो आज दिन ही भर का टाइम है तो रात तक निकल जाएंगे, क्योंकि हमने जो पास बनवाया है और नेपाल का वो केवल 12 घंटे के लिए बनवाया था, तो 12 घंटे होते ही हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि काम इतने थे जो पूरे दिन का टाइम नहीं निकाल पाए, क्योंकि पहली बार यहाँ पर आए हैं, तो हमने सोचा कोई चीजें समझ लें यहाँ पर क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो पर ये हमको समझ में आया कि दूसरे देश आने में, जैसे नेपाल अगर आते हैं तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी, कि अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह और गाड़ी के पेपर सारे कंप्लीट होना चाहिए, तो अपनी गाड़ी लेके आप आराम से आ सकते हैं। केवल एंट्री फीस जो आपकी लगेगी वो इंडियन रुपीज में 350 रुपए लगेगी, नेपाली 600 रुपए करीब आ जाती है। तो बेहतर लोकेशन है यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए, अगर आदमी 2 से 3 दिन के लिए आता है तो बहुत ही, यही नेपाल में है। तो हम लोगों को भूख लगी थी तो खाने का कुछ बनाने का प्रोग्राम था, तो हम लोग ने सोचा कि एक चिकन ले लेते हैं, तो चिकन हम लोग ले रहे हैं, तो नेपाली रुपीज में जो पड़ रहा है वो 1200 रुपए का, तो इंडियन रुपीज में 1300 रुपए का करीब बताया है, 1350 बताए हैं, तो 1300 रुपए में तय करा है, तो वही चिकन लेते हैं। नेपाली जो पैसे तो ये जा तो हम लोग जो है खाना बनाने के लिए रेडी कर रहे हैं, तो हमारा चिकन तो धुल के रेडी हो गया, जो देसी मुर्गा लिया था आप लोग ने देखा होगा वीडियो में, अब उसकी बनाने की तैयारी करते हैं। और लोकेशन भी आप लोग एक बार देख लीजिए, पीछे की लोकेशन दिखा दो। तो हम लोग जो है अब खाना पीना बनाते हैं, आप लोगों को बाद में दिखाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी बहसबाजी चल रही है, वो निपटाते हैं फिर करते हैं।